आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप सब लोगों के सामने CS601 यानी डेटा कम्युनिकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेके आए हैं। 2019 का सोल्यूशन है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो का लिंक तमाम दूसरे दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल का नाम है वी एक्सपर्ट सर्विसेज। आप इसकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इजीली अवेलेबल हो सकें। सेकंडली, अगर आप में से कोई लोग यूट्यूब पे भी ए एक्सपर्ट सर्विसेज के नाम से सर्च करते हैं तो वेलकम वीडियो अपीयर हो जाएगी, आप इजीली हमारे चैनल तक वहाँ से भी रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले हम इस असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ। सपोज़ आई यूनिवर्सिटी हैज़ टू कंप्यूटर्स नेटवर्क सेक्शन नेम्ड एज एडमिन एंड फैकल्टी। Admin section is comprised of 13 computers which are directly connected with each other to provide efficient communication among computers, whereas the faculty section contains 20 computers which are connected through an intelligent central device to attend an online conference being held in another country. The network administration has established an online video link in the faculty section. सपोज़ करें एक यूनिवर्सिटी में दो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, एक एडमिन के नाम से, दूसरा फैकल्टी। जो एडमिन सेक्शन है वहाँ पे 13 कंप्यूटर्स हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्ट तौर पे लिंक रखते हैं, और जो फैकल्टी सेक्शन है वहाँ पे 20 कंप्यूटर्स हैं जो एक सेंट्रल कंट्रोलर हब के साथ कनेक्ट हैं, और हाँ यहाँ पर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्टेब्लिश होने वाली है और उसका लिंक फैकल्टी सेक्शन में हम भेजेंगे। कॉन्फ्रेंस दूसरे मुल्क में होगी, ठीक है, ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। द कॉन्फ्रेंस चेयर हैज सेंड एन इमेज ऑफ कॉन्फ्रेंस एजेंडा टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शेयरिंग विद ऑल फैकल्टी मेंबर्स कंसिडरिंग द अबव मेंशन्ड सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड। यानी वो कह रहे हैं जो ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड होने वाली है इसका इमेज और इसका एजेंडा एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाकी फैकल्टी मेंबर्स को शेयर करेगा। रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की और इस सिनेरियो से हमें कौन से आइडियाज़ देने हैं और क्या आंसर्स देने हैं हमें, इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन एडमिन सेक्शन। यानी हमने नेटवर्क टोपोलॉजी जो यूज़ होगी एडमिन सेक्शन में उसकी टाइप बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी और फॉर एडमिन सेक्शन। यानी कितनी लिंक्स या नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे उस टोपोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर एडमिन सेक्शन के लिए। राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी और फॉर एडमिन सेक्शन के, कितनी टोटल पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी एडमिन सेक्शन के लिए। आगे आते हैं 4 रिक्वायरमेंट की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क लिंकिंग कंप्यूटर्स ऑफ फैकल्टी सेक्शन विद द कंप्यूटर ऑफ कॉन्फ्रेंस चेयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, के कितने नेटवर्क या कंप्यूटर लिंक कर सकते हैं फैकल्टी सेक्शन में विद द कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस चेयर थ्रू वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंस। दी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ फैकल्टी सेक्शन। यानी हमने नेटवर्क की कौन सी टाइप यूज हो रही हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क फैकल्टी सेक्शन में, हम उसका जिक्र करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। 6 रिक्वायरमेंट है, मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस। हम उस इंटेलिजेंट डिवाइस का नेम लिखेंगे यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स फॉर फैकल्टी सेक्शन, जो फैकल्टी सेक्शन के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे। 7th हमारी रिक्वायरमेंट है, हम कैलकुलेट करेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स, के कौन से मुख्तलिफ रंग है दैट कैन रिप्रेजेंट जो दिखाए जाए इफ़ द इमेज सेंड बाय कॉन्फ्रेंस चेयर। जो हम इमेज सेंड करेंगे कॉन्फ्रेंस चेयर को इज़ अ कलर्ड इमेज जो कि कलर्ड होगा 24 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सिंगल पिक्सल, उसमें 24 बिट्स जो है वो जो है रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल पिक्सल एक को। हमें तमाम कैलकुलेशन तमाम स्टेप पॉइंट जो है फुलफिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा इस असाइनमेंट को अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 था, वो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसकी वो रिक्वायरमेंट्स थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग टेबल कंटेन्स सम लेयर्स ऑफ OSI मॉडल अलॉन्ग विद सम इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच लेयर, हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम बी इज नॉट मैचिंग विद कॉलम ए। You are required to carefully analyze both the columns and write correct information associated with each layer in column C. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में
तीन कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। कॉलम ए में तमाम लेयर्स के नाम लिखे होंगे, कॉलम बी में शफल करके उनके फंक्शंस लिखे होंगे। आप लोगों ने बताना है कौन सी टोपोलॉजी या कौन सी जो सॉरी टोपोलॉजी कह रही हूँ, लेयर्स के कौन से फंक्शंस हैं और उन्हें आप कॉलम सी में लिखेंगे। ये कॉलम्स हैं कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। कॉलम ए की जो फंक्शंस हैं या लेयर्स हैं उनका आप देखेंगे कॉलम बी में कौन सा इनका मेन फंक्शन है और उससे आप कॉलम सी में लिखेंगे। तो अब देखते हैं हम इन असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन एडमिन सेक्शन, यानी एडमिन सेक्शन में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही थी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा डिस्कस करके बताती हूँ कि मैश टोपोलॉजी क्या है। मैश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग वेयर ऑल नोड्स कोऑपरेट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग डेटा अमंगेस्ट ईच अदर। यानी मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टाइप है नेटवर्किंग की जिसमें तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और डेटा को एक दूसरे के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केस इसका कुछ ऐसा है। इस क्वेश्चन के मुताबिक एडमिन सेक्शन इज कम्प्राइज ऑफ 13 कंप्यूटर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। यानी उन्होंने भी यही कहा था, एडमिन सेक्शन जो है कम्प्राइज 13 कंप्यूटर्स पे जो है वो साथ लिंक्ड है और वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है विद ईच अदर टू प्रोवाइड एफिशिएंट कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर्स। यानी वही डेटा तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान वो इक्वली नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वे आर ऑल नोड्स कोऑपरेट टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी वो यही कह रहे हैं कि नोड्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वो डेटा को आपस में 13 कंप्यूटर्स अपने दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करके और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन टोपोलॉजी फॉर एडमिन सेक्शन। एडमिन सेक्शन अब ये जो है ये कुछ इस तरह है नोड्स। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फार्मूला, यानी एडमिन सेक्शन जो है उसमें टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, मैश, एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैश। आपको ये पता है? अगर जिन स्टूडेंट्स को फार्मूला ऑफ मैश पता है वो हमें बताएं कमेंट करके, हमारे कमेंट्स ऑन हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अवॉइड किया करें आप लोग नेगेटिव कमेंटिंग से। बहुत से लोग होते हैं हमारी एफर्ट को गलत नज़रिए से देखते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फार्मूला ऑफ मैश टोपोलॉजी इज एन मल्टीप्ला बाई एन को रिप्रेजेंट करते हैं हम नोड से, एन मल्टीप्ला बाई एन माइनस वन ओवर टू। तो यहाँ पे नोड्स कितने थे, यानी कितने कंप्यूटर एडमिन सेक्शन में थे, 13 कंप्यूटर। ठीक है, जहाँ जहाँ नोड्स यानी एन होगा हम वहाँ पर 13 लिखेंगे और टोटल हमारे नेटवर्क कितनी थी, यानी एडमिन और एक थी हमारी फैकल्टी, तो दो नोड्स हो गए। उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर इस तरह 78 आया है। राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ एडमिन सेक्शन, यानी एडमिन सेक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने रिक्वायर है और उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे टोपोलॉजी की, हम आपसे वो डिस्कस करते हैं। इस तरह इसका आंसर ये है, नोड्स टोटल पोर्ट्स कितनी थी, अब हम ये डिस्कस करेंगे। सिंपल देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाली, टोटल कैलकुलेशन टोपोलॉजी की कि कितने लिंक करेंगे। अब इनमें नोड्स कितने थे, n माइनस वन, यानी नोड में से 13 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके 12 पोर्ट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क लिंकिंग कंप्यूटर ऑफ फैकल्टी सेक्शन विद द कंप्यूटर ऑफ कॉन्फ्रेंस चेयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। यानी हमने यहाँ पे उस नेटवर्क या टाइप की बात करनी थी जो लिंक करे दो फैकल्टी सेक्शंस के दरमियान और कॉन्फ्रेंस जो हमारी आउट ऑफ कंट्री होने वाली है उसे इजीली डेवलप कर सके। तो लैन, अब आते हैं हम टोपोलॉजिस्ट की तरफ। टोपोलॉजिस्ट तीन तरह की होती हैं, सॉरी टोपोलॉजिस्ट नहीं, नेटवर्क तीन तरह के होते हैं, लैन, वैन एंड मैन। टोपोलॉजिस्ट में आती हैं मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी, मैश है और रिंग टोपोलॉजी, ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। और आते हैं नेटवर्क की तरफ। अब नेटवर्क में तीन नेटवर्क हैं, लैन, वैन एंड मैन।
LAN stands for local area network and WAN stands for wide area network. तो जब कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ कंट्री होगी तो वो लैन सिस्टम पे तो नहीं हो सकती, बिकॉज दैट आर लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज भी कम होती है. वैन स्टैंड्स फॉर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया कवर्स अ वाइड एरिया. तो आपको पता चल गया होगा वैन इज़ द नेटवर्क दैट कैन ईजिली क्रिएट या यू कह ली ईजिली रीच कॉन्फ्रेंस ऑफ अदर कंट्री. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ फैकल्टी. यानी अब हमने नेटवर्क टाइप ऐसी बतानी है, टोपोलॉजी जो कंप्यूटर फैकल्टी सेक्शन में यूज हो, वो है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में आपको पता है तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो एक स्टार के स्टूडेंट में एक सेंट्रल कंट्रोलर हब के साथ तमाम कम्युनिकेशन करते हैं. आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा टोपोलॉजीज के टॉपिक में, स्टार टोपोलॉजी का. इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब. इस टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल हब के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हब ही तमाम डेटा को प्रोसेस करता है. और ये भी कहा जाता है वेरिएशन ऑफ स्टार इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी. कि ये सब मैं आपको बताती हूँ. आपकी क्वेश्चन में क्या था, फैकल्टी सेक्शन कंटेन्स 20 कंप्यूटर. फैकल्टी सेक्शन 20 कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है, विच आर कनेक्टेड थ्रू एन इंटेलिजेंट सेंट्रल डिवाइस. यानी फैकल्टी सेक्शन, उन्होंने बताया था, 20 कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है जो कि एक डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस के साथ लिंक्ड होते हैं. और स्टार टोपोलॉजी की अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखा सकती, मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं ज़रूर अटैच करती ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल कंट्रोलर हब होता है, सेंट्रल हब के साथ कम्युनिकेट करते हैं. और अगर किसी डाटा ने कहीं कोई चीज़ किसी कंप्यूटर को सेंड करनी हो जो उस हब के साथ अटैच होते हैं, तो सबसे पहले वो कंप्यूटर हब को डाटा सेंड करते हैं और हब आगे से कम्युनिकेट करता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ. मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑफ फैकल्टी सेक्शन. यानी हमने यहाँ पे इंटेलिजेंट डिवाइस यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर फैकल्टी सेक्शन में जो यूज़ हो रहा था डिवाइस, उसका हम जिक्र करने लगे हैं. तो स्विच यूज़ हो रहा होता है उसमें. आते हैं हम अपने क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर 7 की तरफ. कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स. यानी आपने यहाँ पे कलर्स जो थे उनको रिप्रेजेंट करना था, जो इमेज आप कॉन्फ्रेंस के लिए सेंड कर रहे थे. तो आपके पास थे 24 बिट्स. जब भी आपने बिट्स कैलकुलेट करने हैं तो 2 की पावर 24 से ही आप करेंगे. या अगर आपको यहाँ पे बिट्स दिए हुए हैं, अगर आपको बिट्स की तादाद कुछ और दी होती तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करते. तो अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें, 2 की पावर 24 ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं. ओवर 16 मिलियन आपका आंसर होगा, ओवर देन 16 मिलियन. आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 की तमाम रिक्वायरमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तमाम जो है लेयर्स के अबाउट डिस्कस करने लगे हैं. लेयर्स, आपको पता होगा लेयर्स कंप्यूटर की कैसे वर्क करती हैं. OSI मॉडल आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में. OSI मॉडल, आई होप आप लोगों को कुछ याद होगा. OSI मॉडल में कुछ लेयर्स वर्क करती हैं. कंप्यूटर का इनर सिस्टम जो है वो लेयर्स पे डिपेंड करता है. हम इन लेयर्स को इजीली याद भी कर सकते हैं. ऑल पीपल सीम्स टू लाइक डेटा प्रोसेसिंग. ऑल पीपल सीम्स टू लाइक डेटा प्रोसेसिंग. इस तरह एक सबसे पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर. इनकी तरतीब सीधी इस तरह है. और हर एक जो लेयर है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं. आपको यहाँ पे कुछ टास्क दिए हुए हैं. नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, रूटर. डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग करती है. और फिजिकल लेयर जो है वो नेटवर्क मीडिया, इसका ये एक्यूरेट है. ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करती है. एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट ब्राउजिंग करती है. प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन करती है. आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा. हमारी वीडियो की कुछ न्यू लुक, न्यू स्टाइल था आज. मे बी आप लोगों को ये बहुत पसंद आया हो. हमारी वीडियो को लाइक करिएगा. अगर आपको पसंद आए, हमें अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी राय दीजिएगा. और आपको अच्छा समझ आए, मैं यही आप लोगों से उम्मीद करूँगा. और इस वीडियो का तमाम लिंक आप अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करिएगा. वर्चुअल
यूनिवर्सिटी में आप लोगों को जो एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, हम उस सब चीज़ों को जानते हैं, बिकॉज हम सब भी वहीं से पढ़ के आए हुए हैं वहीं से। और आप लोगों से यही मैं कहूँगी कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प किया करें, हो फिर आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। और कोई भी अगर PHP से अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनवाना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जो पर्सन्स बिजी होते हैं वर्क में, उनके पास टाइम नहीं होता अपने असाइनमेंट्स करने का, वो हमें इजीली इनबॉक्स या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, और सेकेंडली हमारा FB ग्रुप भी यहाँ पे अवेलेबल है, इजीली वो हम तक आ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। चैनल के ऊपर हमारी मेल आईडी भी दी होती है, अगर आप में से कोई उसे यूज़ करना चाहे हमें पर्सनल मेल भी कर सकता है।